हर साल की तरह इस साल भी ये झांकी निकाली गई है। सभी वणिज निवासी जो हैं वो इसके साथ साथ चलते हैं और पूरा भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। और जैसे आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भारत में, उनके तारनहार धरती पे उतरे थे, उतना ही उत्साह के साथ यहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है। के माँ जन्माष्टमी का उत्सव हर साल मनाया जाता है। पिछले दिन कृष्ण जन्म हुआ ठीक रात 12 बजे और उसके बाद उसकी खुशी में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। और इसके बाद कल जो है वो भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आज जन्माष्टमी का उत्सव जो है ये कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ, जैसे जैसे धरती पे अत्याचार बढ़े और श्री हरि का जन्म हुआ, उनका अवतार हुआ, उसी में एक अवतार जो है कृष्ण जी है जिनका जन्म हुआ। इन्होंने धरती पे बहुत से ऐसे काम किए जो आज की आवाम के लिए प्रेरणा स्वरूप है। तो इनके जन्म की खुशी में टाउन के सारे लोग बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। और ये एक पूरी आवाम के लिए खुशी का आवाम वो भी है कि खुशी का एक मंत्र है। इसमें इकले विद्यालय की टीमें और आगे पीछे गाँव की आई हुई टीमें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। पूर आमन ये जो है ये एक उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें सभी आवाम को बड़ी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को इसी मैं के जे देश में एक सुकून की भावना और एक आपस में भाईचारे का पैगाम है। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि वो इस खुशी के मौके पर कल भी टाउन में श्री कृष्ण मंदिर में एक भंडारे का आयोजन है, वहाँ पे आए और श्री कृष्ण जी का प्रसाद ग्रहण करें। शुक्रिया जी। सोनिया है, आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में हम हर साल मनाते हैं धूमधाम से। जैसे कि कल रात को भी हमने कृष्ण भगवान के मंदिर में बहुत अच्छा जगराता किया था, महिला मंडल ने भी बहुत अच्छा कीर्तन किया, जन्माष्टमी को अच्छी तरह से धूमधाम से मनाया। यहाँ से हम मतलब बाजार से